ये बेस वेरिएंट है जिसको हम LXI के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट इसमें अपग्रेड कर रहे हैं, वाटर गार्ड और रिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला फुट करा है डायरेक्ट, इसमें कहीं से कोई आपकी वायरिंग नहीं कट करेगा। ये हार्नेस है और ये है अपना खुद का आफ्टर मार्केट कपलर, ये प्लग एंड प्ले हो जाएगा आपका। भाई ये पूरी है रिले, वो भी जेन्युइन स्विच के। ठीक है, हमने फॉग लाइट इंस्टॉल करे है, 3000 की कॉस्टिंग मिलने वाली जेन्युइन फॉग लाइट। 85% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाले हैं, मात्र 23000 रुपए में अलावेबल देने वाले। जेन्युइन टॉप मॉडल वाले मिरर इंस्टॉल कर, अनलॉक करने पर मिरर्स भाई यहाँ पर अनफोल्ड हो जाएंगे, मात्र 7500। K4 के अंदर ये कुछ लुक मिल जाती है, वो है इसके पियानो फेस, इनर हैंडल्स टॉप मॉडल वाले लगाए हैं, 800 रुपए रहने। स्टीयरिंग इसमें हमने सिल्वर वाले लगाए, 3500 रुपए रहने वाली है। ऑटोमेटिक वाला, पैडल शिफ्टर वाला, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली। 9 इंचेस एंड्रॉइड आपके साथ, टच लेवल बिल्कुल स्मूथ है, क्रोम वाले अपग्रेड करेंगे, 600 में मिल जाएगा आपको दोनों ऐसे प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर। जितने पैसे खर्च करे वसूल लग रहे हैं, वसूल लग रहे पूरे, डिस्काउंट पता चला है, डिस्काउंट बहुत अच्छी है भाई। आज की वीडियो में शोकेस करने वाला हूँ भाई आपको स्विफ्ट फेसलिफ्ट, साथ में बबलू भाई। क्या हाल चाल बबलू भाई? अपने YouTube फैमिली का बहुत ही भर भर के प्यार मिल रहा है यार, क्या तहलका मचा रखा यार तुमने पूरी मार्केट में। मैंने सुना यार इतना हैवी डिस्काउंट दे देगी, हर कोई बंदा यहीं पर आ रहा है लेके यहाँ गाड़ियाँ। भाई क्या डिस्काउंट दिया ऐसा? वही पेस्टिंग एलिमेंट्स पे 85% ऑफ है, बाकी एक एक चीज की प्राइसिंग हम वीडियो में डिस्क्लोज करते ही है यार। 85% तक का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो भाई कंपनी तो भाई 10% भी नहीं दे दिया मेरे। नहीं, कस्टमर्स का, कंपनी कस्टमर्स को ना ऑन MRP देती है। तो भाई यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ भाई आपके लिए प्रीमियम क्वालिटी स्टोर शोकेस कर रहा हूँ, क्लासिक आर्ट डेकोरा, बबलू भाई के पास आना है और 85% डिस्काउंट के साथ अपनी गाड़ी बेस टू टॉप मॉडल बनवानी है। अब भाई वेरिएंट की बात कर ले, कौन सा वेरिएंट है? ये बेस वेरिएंट है जिसको हम LXI के नाम से जानते हैं। और भाई देख लो 2024 फेसलिफ्ट रहने वाला। भाई ने पूरी गाड़ी है यहाँ पर खोल दिया है, देखो चारों गेट, डिग्गी पिग्गी, बोनट सब कुछ खोल डाला है इस नई गाड़ी का। अब बात कर ले फ्रंट में क्या कुछ चेंजेस कर रहे हैं अभी के लिए। फ्रंट में करवाने के लिए तो हेडलाइट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसमें 220 वॉट की LED डाल रहे हैं, जो कि काफी ही ब्राइट सेटअप रहने वाला है। साथ में फेस व्हाइट में कन्वर्ट करने वाले, बाकी फ्रंट में मारुति का ही, ये स्विफ्ट का ही जेन्युइन फॉग लाइट लगा रहे हैं टॉप मॉडल वाले, जेन्युइन फॉग लाइट अपग्रेड कर रहे हैं। साथ में फ्रेम भी रहेगा और इसकी वाटेज की बात करें तो ये प्रोजेक्टर के साथ 4 वाट के आसपास इसकी वो रहने वाले LED रहने वाले। ये कुछ ब्लैंक पैनल आता है जो अपग्रेड करा जा रहा है फॉग लाइट के साथ, बाकी प्लग एंड प्ले हार्नेस है, सारी प्लग एंड प्ले हार्नेस है, टॉप मॉडल वाली हार्नेस है इसकी। ठीक है, बाकी फ्रंट में अपने पास ऑप्शन रहता है भाई स्किड लगवाने का, जो फ्रंट वाला रहता है ग्लोसी स्किड्स, बाकी इस पे हर का कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ग्रिल की वो जो कहते हैं वो भी है। ठीक है, कस्टमाइज करवा सकते हैं। साइड फेस में भाई ने ना स्विफ्ट वाली जान कर रखी है, मतलब आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स ना हो स्विफ्ट में तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही तो आजकल लुक्स एनहांस कर रही है गाड़ियों का भाई स्विफ्ट वाले। भाई अलॉय व्हील्स सबसे पहले लेंगे गाड़ी, देखो भाई खुली बाद में पहले अलॉय व्हील लगता है। ठीक है, अब मिरर में बात कर ले भाई, चेंजेस क्या कर रहे हैं? मिरर इसमें ऑटो फोल्ड वाले कर रहे हैं, बेस मॉडल में डंडी आती है, इसमें डंडी भी नहीं आती। ठीक है, हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें हम ऑटो फोल्ड लगा रहे हैं और एडजस्टिंग और इंडिकेटर के साथ फोल्डिंग के साथ, हाँ टॉप मॉडल वाली। ठीक है, हैंडल्स वैंडल्स शायद अभी पेंट करेंगे, सारे पेंट हो रही है। ठीक है, लोगो गार्निश अपग्रेड कर चुके हैं जेन्युइन पेस्टिंग एलिमेंट, कितना परसेंट डिस्काउंट? 85% ऑफ रहने वाला है, बाकी इसमें डोर वाइजर भी जेन्युइन क्रोम लाइन ही है, इसमें अपग्रेड कर रहे हैं हम। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर में बात कर लेंगे भाई, ये गाड़ी पूरी खोल डाली है अंदर से। डोर्स की बात करें तो डोर्स में हमने आगे हर्ट्स के कंपोनेंट इसमें अपग्रेड कर रहे हैं और साथ में ही इन हैंडल कर रहे हैं, और जो कि कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें वाटर गार्ड और रिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जो कि सारे कोई भी गाड़ी लेके आए हर किसी के पास फ्री रहने वाला। वाटर गार्ड अपग्रेड करा गया, सेफ्टी प्रोसीजर है, काम आने वाला, पानी वानी गिरेगा तो मतलब स्पीकर जंग नहीं। इसका बेनिफिट बता देता हूँ, इससे ये होता है कि विंडो फ्रेम के थ्रू जो पानी अंदर जाती है स्पीकर के मैग्नेट पे ना पानी जाएगी, ना ही कभी आपका स्पीकर खराब होगा। ठीक है, टॉप एंड वेरिएंट वाले इनर हैंडल्स भी अपग्रेड कर चुके हैं भाई, वायरिंग जा रही है, ये वाली MAS लाइट की लग रही है, MAS लाइट की वायरिंग है, देख सकते हो पिन इन फुट करा है, फुट करा है डायरेक्ट, इसमें कहीं से कोई आपकी वायरिंग नहीं कट करी, बाकी इसको अभी टेप कर देंगे। ठीक है, और बाकी अंदर में बात कर ले भाई, डैशबोर्ड भी खोल रखा है पूरा। डैशबोर्ड इसमें MAS लाइट लगा रहे हैं, बाकी ये चेंज कर रहे हैं, इसका सेंटर वाला ऐसी पार्ट है वो चेंज क्रोम वाला अपग्रेड कर रहे हैं। पहले जो इसमें जो सेंटर में जो बड़ा वाला क्रोम आता था आता है, उसको सोच रहे थे पियानो ब्लैक ग्लॉस करवाने के, लेकिन अभी स्किप कर दिया। ठीक है, डोर पैनल्स पे कर रहे हैं ऐसे पियानो कुछ, हाँ उसके पार विंडो पैनल्स। और भाई दिखा दो कंपनी की वायरिंग जो आती है, ये कंपनी का कपलर है, ये अपना खुद का कपलर प्लग एंड प्ले कर रखा है। एक मिनट, यही चीज दिखाने के लिए मैं अभी आऊँ। काफी ही अपनी जो फैमिली है ना YouTube फैमिली, बहुत ही डिमांड आ रही है कि भैया मेरी तो कोई वायरिंग नहीं काटोगे। ये देख लो कंपनी की वायरिंग इस टाइप की रहती है आपकी कुछ, ये देखो कहीं इसमें कहीं से कोई वायरिंग कटनी, एक बार दिखा दो क्लियरली, देख लो भाई ये कंपनी की हार्नेस है और ये है अपना खुद का आफ्टर मार्केट कपलर, ये प्लग एंड प्ले हो जाएगा आपका, एंड्रॉइड रेडी टू यूज रहने वाला है इसके बाद। तो
कहीं से कोई वायरिंग कट वगैरह नहीं होगा, उसके लिए बबलू भाई 100% गारंटी लेते हैं। स्टीयरिंग में चेंजेस कर रहे हैं भाई, स्टीयरिंग इसमें पियानो ब्लैक लगा रहे हैं जो कि टॉप मॉडल वाले रहने वाले। ठीक है, और सीट कवर फ्लोरिंग? सीट कवर दोनों ही है, सीट कवर भी आके चल के दिखा देता लुक्स वगैरह। प्रीमियम सेगमेंट्स में सीट कवर और प्रीमियम प्लस में इसमें फ्लोरिंग की जा रही है। अभी कंपनी से कारपेट आता है, इसको सेव करने के फ्लोरिंग काम आने वाली है। और यहाँ पर देख लो ये रहा फॉगलाइट का कवर, और भाई ये पूरी है रिले जो अपग्रेड करने वाले हैं, वो भी जेन्युइन स्विच के साथ अपग्रेड कर जाएगी इस गाड़ी के अंदर। एंड्रॉइड कौन सा अपग्रेड कर रहे हैं? एंड्रॉइड इसमें 464 TS9 प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड के साथ रहने वाला, जो कि काफी स्मूथ रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा भाई यहाँ पर अभी खुली हुई गाड़ी मैंने दिखा दी है, और ये सारा काम करवाना, तो एक फेवरेट लोकेशन कौन सी है भाई? वो अपना क्लासिक आर्ट डेकोरा करोल बाग बबलू भाई के पास। ठीक है भाई, क्लासिक आर्ट डेकोरा बबलू भाई के पास आना है, क्वालिटी वर्क में डील करना था आपको। फाइनली भाई यहाँ पर अपनी शिफ्ट हो चुकी कंप्लीट, साथ में है बबलू भाई, कंप्लीट हुआ सारा काम कंप्लीट है। ठीक है, अब फ्रंट फेस से बात कर ले भाई, क्या कुछ चेंजेस करेगा इसके अंदर? जैसा कि शुरू में मैंने बताया था LXi मॉडल आई थी जिसे हम बेस मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रंट में इसमें 220 वॉट की LED डली है जिसका रिस्पांस आप सामने चेक कर सकते हो। भाई फ्रंट फेस देखो कितना ज्यादा ब्राइट सेटअप आपको मिलने वाला है, स्टॉक हेडलाइट्स जो आती है येलो सेटअप के अंदर आती है, बाइक सेशन के अंदर अपग्रेड कर चुके हैं। बाकी एलईडी की बात करें तो एलईडी के स्टार्टिंग अपने पास 1100 रुपए से रहने वाली है, गारंटी वाली 1800 रुपए से। बाकी इसके नीचे बात करें, हमने OEM जेन्युइन मारुति के हमने फॉग लाइट इंस्टॉल करे, कुल 4 वॉट के आसपास होता है। थ्रो वगैरह आप देख सकते हो, भैया को मैंने कम है, बहुत कम है। भैया को मैंने काफी समझा कि प्रोजेक्टर डलवा लो, लेकिन उन्होंने बोला कोई नहीं डाल दो, लेकिन जब उन्होंने डलवाया रिस्पांस देखने के बाद फिर वो खुद ही कह रहे कि भाई मैं कहां पे 3000 रुपए फंसा लिए। तो भाई देखो मतलब 3000 ही कॉस्टिंग मिलने वाली जेन्युइन फॉग लाइट की। जी जी जी, बाकी स्विच के साथ, जेन्युइन स्विच के साथ स्विच भी अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके साथ हमने OEM मारुति का जो कहते हैं वो क्रोम इसमें पेस्ट करा है, जो नेक्सा पेस्टिंग आइटम में आते हैं, जिसपे 85% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रंट फेस भाई यही था, और साइड फेस में बात कर ले भाई, इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगे हुए थे। साइड फेस से अलॉय व्हील की बात करें, अलॉय व्हील अपने पास जेन्युइन रहने वाला है टॉप मॉडल वाला मारुति का, बाकी आफ्टर मार्केट भी कई सारे ऑप्शंस है। फिलहाल टॉप मॉडल की बात करें तो टॉप मॉडल आपका रिम लगे मात्र 23000 रुपए में अलॉय व्हील देने वाला हूं। 23000 रुपए के अंदर। ठीक है, साइड में बात कर ले भाई, इस मॉडल के अंदर नॉर्मल मिरर्स आते हैं, तो कुछ चेंजेस करे इसके अंदर? इसमें हमने कई बंदे तो इंडिकेटर लगाते हैं, लेकिन हमने इसमें जेन्युइन टॉप मॉडल वाले मिरर इंस्टॉल करे हैं, जो कि एडजस्टिंग के साथ, फोल्ड एंड फोल्ड के साथ, और इंडिकेटर प्रॉपर वर्किंग के साथ रहने वाला है। इंडिकेटर बाकी भाई इसकी वर्किंग दिखाना एक बार। बाकी इसमें देखो प्रॉपर जेन्युइन मारुति का मिरर रहने वाला है, और हम ये आता है कुछ व्हाइट रॉ फिनिश में आता है। ठीक है, बाकी हमने इसमें जो इसकी जो बॉडी पेंट कलर है पर्ल आर्टिक व्हाइट है, हम उसमें इसमें हमने कन्वर्ट करा पेंट करा उसमें, तो यहाँ पर होती है ये। ठीक है, तो लॉक अनलॉक करने वाला मिरर्स भाई यहाँ पर अनफोल्ड हो जाएंगे, और लॉक करने वाला मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे भाई। अब ऑटो फोल्डिंग कॉस्टिंग की बात कर ले, क्या कॉस्टिंग पड़ती है? मात्र 7500 रुपए। 7500। जी जी। ठीक है, बाकी लोअर गार्निश अपग्रेड करिए। लोअर गार्निश भी अपग्रेड करा, जो कि जेन्युइन मारुति का ही रहने वाला है। ठीक है, साथ में डोर वाइजर, जिन सब चीजों पे, ये सब जेन्युइन मारुति का पेस्टिंग एलिमेंट्स में आते हैं, जिसमें फ्लैट 85% ऑफ रहने वाला है। ठीक है, हैंडल्स भी अपने पेंट करेगा इसके अंदर, हैंडल भी बॉडी पेंट कराया जा रहा है, जो कि प्रॉपर बॉडी के साथ मैचिंग में किया गया। इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस ये सब होता है, तो कभी भी यार रिक्वेस्ट है टाइम लेके आना, ग्लॉसी या फिर कुछ भी बॉडी पेंट में कन्वर्ट कराना, उसके लिए आपको टाइम देना। सुबह लेके आओगे तो रात तक ही आपको गाड़ी मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक में दिखाया था मैं, बैक में बस एक चीज अपग्रेड करिए, रिफ्लेक्टर ऐड करे हैं ऊपर से प्लस में। इसमें जेन्युइन 170 डिग्री वाइड एंगल कैमरा हमने इंस्टॉल करा है, जो कि प्रॉपर गाइडलाइन के साथ और 1080 पिक्सल्स वाले रहने वाले। ठीक है, तो आउटर फेस यही था, इंटीरियर फेस चेक करा दे एक बार। हाँ जी बिल्कुल, इंटीरियर फेस में बात कर ले भाई, क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं इसमें? K4 की सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा लुक एनहांस करती है उसको है मिड लाइट K4 इसमें रहने वाली, जिसको हम K4 K3 दोनों सारे मोड्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल मोड्स आपको मिल जाएंगे, सिंगल कलर भी ऑपरेट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मूविंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी ऐप कंट्रोल रहती है भाई, ये ऐप कंट्रोल है। ठीक है, ऐप कंट्रोल रहने वाली है। तो भाई ये देखो K4 के अंदर ये कुछ लुक मिल जाती है आपको, जिसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शन, इसमें डुअल मोड है, इसको आप K3 भी बना सकते हो, सिंगल वन टाइम पे वन कलर आप स्टेबल करके रखना चाहो वो भी हो जाएगा। ठीक है, 6 पीसेस में अपग्रेड करिए, 6 पीस अपग्रेड करिए, इसमें ऑप्शंस कई सारे हैं, 10 पीस, 14 पीस एंड 18 पीस। ठीक है, साथ में भाई यहां पर बात कर ले, सबसे ज्यादा लुक है एनहांस कर रही है वो है इसके पियानो फिनिश, कार्बन फिनिश से जो टॉप मॉडल्स में आता है, लेकिन हमने इसमें ग्लॉस ब्लैक में फिनिश में इसमें वो करा है। ठीक है, पियानो फिनिश के अंदर कन्वर्ट करेगा भाई, जितने भी ये वाले पार्ट्स है ना ये अपने मैट फिनिश में आते हैं। और इसमें भाई फोल्डिंग का देख लो ऑप्शन आपको मिल चुका है, स्विच मिल चुका है ऑपरेट करने, जिसमें आप सिंगल प्रेस में आप अपने मिरर्स फोल्ड कर सकते हो, और सिंगल प्रेस में ही आप अपने मिरर्स अनफोल्ड भी कर सकते हो। बाकी एडजस्टिंग की बात करें तो कुछ बंदे कहते हैं नहीं भाई बस एडजस्टेबल लगा दिया है,
प्रॉपर एडजस्टिंग के साथ रहने वाला है, लेफ्ट राइट फ्रंट रियर सब चीज रहने वाला है। ठीक है, इनर हैंडल्स टॉप मॉडल वाले लगाए हैं, टॉप मॉडल वाले इनर हैंडल रहते हैं, जिसकी प्राइसिंग मात्र 800 रुपए रहने वाली है। ठीक है, अभी भाई देखो पैकिंग का प्रोसेस चल रहा है पूरा, उस तरफ भी वर्किंग चल रही है। स्टेयरिंग की बात कर ले भाई, ब्लू क्या कुछ चेंजेस करेगा यार? स्टेयरिंग इसमें हमने सिल्वर वाले लगाए, जिसकी प्राइसिंग की बात करें मात्र 3000 रुपए रहने वाला है। इसी में आपका यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आता है, जो इसकी प्राइसिंग मात्र 3500 रुपए रहने वाली है। बाकी ऑटोमेटिक वाला, पैडल शिफ्टर वाला, ए टू जेड एक्सेसरीज जो अपनी गाड़ी में लोड करवाते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी इसमें भी बात कर ले, स्टीयरिंग कंट्रोल वर्किंग आपको मिल जाएगा, कॉलिंग बटन्स वर्किंग मिल जाएंगे इसके अंदर, क्रूज कंट्रोल अपना डमी रहता, वर्किंग नहीं रहता। प्लग एंड प्ले है ये भी? हाँ जी, प्लग एंड प्ले है, सारी प्लग एंड प्ले ही है। ठीक है, स्विच भी दिखा दूं भाई, फॉग लाइट का जेन्युइन स्विच रहने वाली है। ये जेन्युइन स्विच अपग्रेड करा गया था, फॉग लाइट से आपको पूरा हार्नेस मिलने वाला है इसके अंदर, और फ्रंट एमबीएस लाइट की लुक पूरी आपके सामने है। एंड्रॉइड नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर आप लोग? हाँ जी, एंड्रॉइड नहीं आता, हमने इसमें 4400 प्रॉपर जो कहते हैं वो एंड्रॉइड इंस्टॉल करा, वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ। ठीक है, टच लेवल बिल्कुल स्मूथ है, पहले हमने बताया था कि जो हम जो जो काम करते हैं वो सारे हाई क्वालिटी में डील करते हैं। ठीक है, टी लिंक के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो वायरलेसली, एप्पल कारप्ले एंड ऑटो का ऑप्शन के अंदर एड ऑन मिल जाएगा, यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी क्रोम है, प्ले स्टोर है, जीमेल आईडी लिंक के रेडी यूज है, कुछ भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सेंटर से जो सबसे ज्यादा लुक एनहांस कर रही है वो है इसके सेंटर क्रोम। अच्छा, एसी वेंट क्रोम, क्रोम वाले अपग्रेड करे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कॉस्टिंग पड़ती है भाई इन दोनों? मात्र 600 रुपए, 600 में मिल जाएगा आपको दोनों एसी वेंट। और भाई यहाँ पर एंड्रॉइड की स्टार्टिंग रेंज की बात करें, 3500 रुपए से स्टार्टिंग रहने वाला है, 3500 से स्टार्टिंग मिल जाएगी। बाकी एज पर क्वालिटी है, जैसे आपको एप्पल कारप्ले चाहिए हो या फिर 3G सपोर्ट चाहिए तो कॉस्टिंग वगैरह हाई चली। ठीक है, बाकी 9 इंचेस एंड्रॉइड आपके सामने, जिसमें एक्यूरेट फ्रेम अपना आ चुका है फिटमेंट के साथ। स्पीकर में चेंजेस की बात कर ले भाई, क्या स्पीकर इसमें आगे के हर्ट्स आगे कंपोनेंट डाले, हर्ट्स के पीछे कैप्सूल डाले हैं। ठीक है, साथ में एम्प और बूफर भी अपग्रेड, साथ में एम्प बूफर है, और प्लस चारों दरवाजों में डैम्पिंग भी करी, जिसका जो है साउंड प्रूफ वगैरह है, जो की टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रखता है। ठीक है, तो भाई ये देखो किस टाइप की बज रही है, कितने, और ये देखो डैम्पिंग के बाद। अब थोड़ा सा एक बार नीचे तरफ बात करते हैं भाई, फ्लोरिंग भी करी है नीचे? फ्लोरिंग भी करी है, जो की प्रीमियम सेगमेंट्स में रहती है, कंपनी कार्पेट को सेफ करने के काम आने वाली है। उसके साथ ऊपर 70 मैट डाला, वो भी प्रीमियम सेगमेंट्स में, इसके ऊपर प्रीमियम प्लस भी आता, लेकिन वैसे प्रीमियम डाला। बाकी सीट कवर अंदर से जो लुक एनहांस कर रहा है, सबसे मेन जो चीज है वो है सीट कवर रहने वाला, जिसका डिजाइन वगैरह प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर सामने रहने वाला है, डिजाइन आपके सामने है, एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर अपग्रेड करे गए, फिटमेंट आपके साथ टक टू टक फिटमेंट मिल जाएगी, ब्लैक प्लस रेड थीम के अंदर रखा गया, पाइपिंग दी गई थोड़ा स्पॉटी लुक देने के लिए, वैसे स्विफ्ट स्पोर्ट कार्स के अंदर आती है ना भाई। ठीक है, गियर नॉब भाई दिया गया है, गियर नॉब भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, जो कि गाड़ी में देख सकते हैं वो खुल नहीं पाया है अभी, ये सर्विस सेंटर जाएंगे, सर्विस सेंटर से। और ये रहा भाई अपने जेन्युइन यूएसबी भी अपग्रेड करी है, ये पुराना वाला हब है, पूरी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर चेकआउट करवा दिया। अब बोलो थोड़ा खर्चा, मोटा मोटा कितना खर्चा है इस गाड़ी के अंदर? इस गाड़ी का खर्चा मोटा मोटा मान के 90-95 के आसपास गई है, 90 के अराउंड इस गाड़ी की बिलिंग रहने वाली है। और इसमें अलॉय व्हील छोड़ के, अलॉय व्हील स्किप करके, बाकी ए टू जेड सारा ही, और ये सारा काम करना तो आना का है, क्लासिक का डेकोरा करोलबाग बबलू भाई के पास। बाकी एक चीज और बता दो, जाते जाते कभी भी किसी के पास जाओ, पहले सारे आइटम अपने काउंटर पर निकलवा लो, उसके बाद ही काम चालू करवाना, क्योंकि आजकल ठगी और फ्रॉड बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, उनसे बचो। जेन्युइन के नाम पे बुलवा लेते हैं, लेकिन जेन्युइन आपको लगा के एक भी आइटम नहीं देंगे, बाद में मना कर देंगे, अपना वो काम नहीं है, हम पहले निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने पूरी वर्किंग दिखा दिया, एक बार कस्टमर से पूछा सारा काम उनको कैसा लगा। भाई साथ में अपने प्राउड हूं सर, क्या नाम है आपका? राहुल। सर आपका? सुमित। कहाँ से आए थे भाई? मेरठ। मेरठ से दिल्ली आना करोड़ भाई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बेस मॉडल लेके आए थे? बेस मॉडल। जितनी वर्किंग करके दी अच्छी लग रही है गाड़ी? बहुत बेहतरीन। टॉप बना दी? एक नंबर। और जितने पैसे खर्च करे वसूल लग रहे हो? वसूल लग रहे पूरे। बाकी डिस्काउंट विस्काउंट पता चला है? डिस्काउंट बहुत अच्छी है भाई, तो रिकमेंडेड है भाई के पास आना। बिल्कुल सही लगा भाई काम आपको भी? 10 में से कुछ रेटिंग देनी हो बाकी काम को? 10 भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।